क्वेश्चन नंबर 46 है आपके सामने, इसमें क्या बोल रहा है देखिए। अ मैन गोज टू डाउन स्ट्रीम विथ अ बोट एंड सम डेस्टिनेशन, मतलब वो बोट से डाउन स्ट्रीम गया कुछ डेस्टिनेशन तक और उसके बाद रिटर्न आया अप स्ट्रीम, ठीक है, इज ओरिजिनल प्लेस, और ओरिजिनल प्लेस वो वापस आ गया इन 5 आवर्स, मतलब उसको जाने और आने में टोटल टाइम कितना लगा, 5 आवर्स उसको टाइम लगा। इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड 4 किलोमीटर पर आवर, मतलब अपन को एक्स दिया है कितना 10 किलोमीटर पर आवर और वाई दिया है अपन को 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपन से क्या पूछा, अपन से पूछा था डिस्टेंस ऑफ द डेस्टिनेशन फ्रॉम द स्टार्टिंग प्लेस, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए क्या करेंगे। टोटल टाइम दिया है अपन को 5 आवर, टाइम T1 की अगर मैं बात करूँ, T1 और T2, एक जाने में टाइम लगा एक आने में टाइम लगा, जाने में वो गया है डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम गया मतलब एक्स प्लस वाई की स्पीड से गया होगा, ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा 14, ये होगा स्पीड। अगर ऊपर डिस्टेंस रख दें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम, तो ये तो T1 आ गया अपना, प्लस अगर T2 की मैं बात करूँ मतलब आने का टाइम, आने में वो क्या है अप स्ट्रीम आया तो स्पीड माइनस हो जाएगी, मतलब एक्स माइनस वाई, तो कितने की स्पीड से आया, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, डिस्टेंस तो उसने डी आया, ठीक है। यहाँ से क्या आ गया अपने पास, टाइम टोटल उसको 5 आवर्स लगा और ये इक्वेशन आ गई, अब क्या क्वेश्चन खत्म हो गया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, डी कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, यहाँ से क्या आ गया 6 प्लस 14 अपॉन 6 × 14, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ गया 5। अच्छा 6 प्लस 14 कितना हो जाएगा 20 अपॉन 6 × 14 और डी, ठीक है, ये कट जाएगा 5 4 20, ये 4 से 1 2 कट गया, ये 3 बचा, ये 7 बचा, तो क्या आ गया 3 7 20 इक्वल्स टू डी, मतलब डी इक्वल्स टू कितना आ गया 21 किलोमीटर, ठीक है।